हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स पावर चैनल में आपका स्वागत है। और इस लेक्चर में आज हम लोग प्रीवियस ईयर के गेट के कुछ क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग चार लेक्चर देख चुके हैं प्री स्ट्रेस में, और चारों लेक्चर 15-15 मिनट का है, यानी कि 1 घंटा आपको पूरा लेक्चर एक बार देखने में लगेगा। और उसके बाद आप इस लेक्चर पर आएंगे, और जो लोग देख चुके हैं वो तो डायरेक्ट अभी से शुरू कर सकते हैं। आपको मैंने बताया हुआ है ये तीनों स्ट्रेस डायग्राम किस तरह से बनता है। सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में प्री स्ट्रेस फोर्स के कारण जो यूनिफॉर्म स्ट्रेस वाला डायग्राम बनता है, स्ट्रेस डायग्राम है, यानी कि पी बाई ए फोर्स बाई एरिया है, तो इस तरह का यूनिफॉर्म स्ट्रेस बनता है। और उसके बाद मैंने बताया था कि विंड लोड या डेड लोड की वजह से कैसे ऊपर कंप्रेशन नीचे टेंशन आता है, ठीक है, और डेड लोड या लाइव लोड की वजह से, यहाँ पे डेड लोड, लाइव लोड, एक्सटर्नल लोड, एक्सटर्नल लोड की वजह से इस तरह का मोमेंट डायग्राम बनता है, ऐसे सॉरी स्ट्रेस डायग्राम। और जस्ट इसका अपोजिट, विदाउट विदाउट कोई डिसीजन लिए हुए, बिना कुछ सोचे हुए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए, अगर एक बार ये बना लिए हैं तो जस्ट इसका अपोजिट डायग्राम बस बना लेना है। थोड़ी हमको स्केल से मेजर करना है कि ये लेंथ कितना है, ये लेंथ कितना है, कोई चीज़ नहीं। बस ऐसा डायग्राम बनाने के लिए दिमाग लगा दिए हैं, वो भी दिमाग कहाँ लगाए, वो भी हम बता दिए हैं कि सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए आँख बंद करके ऐसा डायग्राम बना देना है, ठीक है। और इसका जस्ट अपोजिट जो है डायग्राम ये बना बन जाएगा, ठीक। ये सब मैंने प्रीवियस तीन लेक्चर, चार लेक्चर में मैं यही कर रहा था, ठीक है। ये जो पूरा नोट से, ये मैं पूरा नोट्स कंप्लीट पढ़ा दिया हूँ तीन चार नोट लेक्चर में, ठीक है। तो आइए हम ये एक बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं गेट 2013 में, जो कि 2 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें है कि एक एक रिक्टेंगुलर कंक्रीट बीम है, ठीक है। रिक्टेंगुलर कंक्रीट बीम से वाकिफ है हम लोग, जिसका कि विड्थ है 250 mm और 600 mm डीप है। तो चलिए इसको बनाने शुरू करते हैं। रिक्टेंगुलर बीम ऐसे इस तरह का बनेगा, ये इस तरह का बीम होगा, ठीक है। रिक्टेंगुलर बीम इस तरह का होगा, जिसका कि विड्थ बी इज इक्वल टू कितना है, 250 mm है, ठीक है, और इसका जो डेप्थ है 200 mm वाइड एंड 600 मीटर डीप। तो इसका जो डेप्थ है वो पूरा कितना है, 600 mm, ठीक है। सारा डायमेंशन mm में दिया हुआ है, तो ये 600 mm हो गया, ठीक है। डीप इज प्री स्ट्रेस्ड बाई मीन्स ऑफ 16 हाई टेंसाइल वायर्स। प्री स्ट्रेस में टेंसाइल वायर लगता है, तो इसमें 16 वायर्स हैं, और सारे वायर का जो डायमीटर है वो 7 mm डाया का है, लोकेटेड एट 200 mm फ्रॉम द सॉफ बॉटम, यानी कि सॉफिट फेस ऑफ द बीम एट ए गिवन सेक्शन। यानी कि देखिए, आरसीसी वाला बीम नहीं है कि यहाँ पे हम 16 एक एक ऐसे बना दें कि 1 2 3 4 5 6, इस तरह से नहीं। प्री स्ट्रेस में सिंपल हम लोग क्या कर देते हैं कि ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे एक डक्ट रहा होगा, होल रहा होगा, और इसी में जो है वो 16 बार जो होगा वो हम लोग लगा देते हैं बंडल्स में, ठीक है। तो टेंडन्स बोलते भी वही है कि एक बार में नंबर ऑफ बार्स को अगर बंडल में बांध के और एक मतलब डक्ट में अगर डाल दिए, तो इसी डॉक्ट के सीजी से हम लोग, सीजी पे हम लोग ये पी को एज्यूम करेंगे, जो जो स्ट्रेस लगा होगा। तो खैर, स्ट्रेस का बात तो आ गया है। अभी इसमें इसमें कितना बार दिया हुआ है, इसमें 16 बार्स हैं, ठीक है। ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, 16 बार्स 7 mm 5 वाले, यानी कि डाया वाले, इसको रिप्रेजेंट करने का यही नियम है कि 16 बार्स 7 mm 5 वाले। तो अब बोल रहा है कि इफ द, क्या बोल रहा है, कि इफ द इफेक्टिव प्री स्ट्रेस इन द वायर्स इज 700 MPa। देखिए, यहाँ पे आप मिस्टेक ये कर सकते हैं कि आप प्री स्ट्रेस इन द वायर 700 MPa डालें, और इसको आप एज्यूम कर लेंगे कि P बराबर 700 MPa है, क्योंकि ऐसा ही मैंने बताया लेक्चरों में कि यहाँ से P प्री स्ट्रेस लग रहा है। लेकिन ध्यान ये देना है कि प्री स्ट्रेस फोर्स नहीं बोला है, प्री स्ट्रेस बोला है। यहाँ भी ध्यान नहीं जा रहा है, तो कम से कम इसके यूनिट पे जाए कि ये मेगा पास्कल है। मेगा पास्कल का मतलब क्या होता है, 1 मेगा पास्कल का मतलब होता है कि 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहाँ से भी पता चल रहा है कि ये स्ट्रेस का यूनिट है, न कि फोर्स का। तो यहाँ पे पी को 700 MPa क्या करेंगे, नहीं लेंगे। तो इसको काट कट किए हैं कि ये चीज़ पे गलती हो सकता है, यहाँ पे मिस्टेक का चांस है, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेस है 700 MPa। अब ये स्ट्रेस एक्ट कर रहा है इतना दूर वाले के एरिया पे, ठीक है। तो इतना दूर वाले एरिया पे स्ट्रेस एक्ट कर रहा है, तो प्री स्ट्रेस फोर्स हम लोग क्या निकालेंगे, प्री स्ट्रेस फोर्स हम लोग निकालेंगे कि जो स्ट्रेस दिया हुआ है
700 MPa, ठीक है, इनटू एरिया, किसका एरिया, पूरे बीम का एरिया, नहीं, ये जो स्ट्रेस जहाँ एक्ट कर रहा है, फोर्स जहाँ पी लगेगा वहाँ का एरिया। तो यहाँ में कितना बार है, 7 बार है, 16 बार है, 7 mm वाले, तो 16 इंटू सिलेंड्रिकल बार एज्यूम करते हैं हम लोग, तो पाई बाई 4 × 7 का स्क्वायर। तो चलिए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, देख लेते हैं ये क्या होगा। ये हो गया हमारे पास 700 × 16 × π/4 × 7 का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास 431026 न्यूटन में आया। इसको ये ENG वाला बटन जो है दबाएंगे तो ये किलो न्यूटन में, ये देखिए 10^3 में दे दिया हमको, ठीक है, 10^3 में दे दिया, यानी कि किलो न्यूटन में आ गया। यानी कि हम यहाँ से बोल देंगे कि 431.026 किलो न्यूटन हमारा ये आ गया, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा प्री स्ट्रेस फोर्स इस तरह से आ गया निकल के। तो ये हमारा पहला काम हो गया कि फोर्स हम लोग निकाल दिए, ठीक। अब देखिए, अब डायग्राम तो मैंने बताया है कि कैसे बनता है। अच्छा, आगे चल के इसमें ये भी लिख रहा है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम सैगिंग बेंडिंग मोमेंट। इसमें बेंडिंग मोमेंट का बात कर रहा है किलो न्यूटन मीटर में, करेक्ट टू 1 decimal प्लेस, ठीक है। इस पर भी ध्यान देंगे, ऐसे भी इस पर, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 1 decimal प्लेस, 2 decimal प्लेस क्या बोलता है। ड्यू टू लाइव लोड, देखिए, ड्यू टू लाइव लोड या डेड लोड बोल दे, तो उसके लिए हम लोग कौन सा डायग्राम बनाएंगे। उसके लिए हम लोग का ये वाला डायग्राम बनता था, याद कीजिए, हम लोग का इधर वाला डायग्राम बनता है इस तरह का, ठीक है। न्यूमेरिकल बनाते समय अब उतना थोड़ी कॉन्सेप्ट को जाएंगे रिमाइंड करने के, बीम बनाएंगे फिर उसको देखेंगे कैसे मोड़ा, एकदम रट जाना है कि इस तरह का डायग्राम बनता है डेड लोड या विंड लोड का। डेड लोड और विंड एक्सटर्नल लोड का, दरअसल लाइव लोड का, सबका एक्सटर्नल लोड का डायग्राम इस तरह से बनता है, ऊपर कंप्रेशन नीचे टेंशन बनता है, और क्या बनता है, m/i × y। ऊपर बना रहे हैं तो y टॉप बोल दिए, और नीचे बना रहे हैं तो m/i y बॉटम बोल दिए। रेक्टेंगुलर है तो y टॉप y बॉटम, यहाँ पे हमको LSM में डिजाइन करते हैं तो बोला नहीं है तो LSM में ही डिजाइन करना है। WSM से डिजाइन करना होता तो यहाँ पे मोड m का वैल्यू दिया हुआ रहता और उसका डिजाइन जो है वो दूसरे तरीका से होता है, ठीक है। इसको नॉमिनल सेक्शन हम लोग बोलते हैं, तो उसमें अभी नहीं जाना है, अभी देखिए कि क्वेश्चन कैसे बन रहा है। MI y टॉप और MI y बॉटम आ गया, तो ये डेड लाइव लोड के वजह से आ गया। तो लाइव लोड के वजह से बेंडिंग मोमेंट तो यही m आएगा, यानी कि हमको ये कैपिटल M कैलकुलेट करना है। मोमेंट ऑफ इनर्सिया तो I कैलकुलेट कर लेंगे b dQ/12 से, मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या आ जाएगा, b dQ/12 से आ जाएगा। y टॉप और y बॉटम क्या है, y टॉप और y बॉटम होता है CG वाले डिस्टेंस से, यानी कि न्यूट्रल एक्सिस ये होगा न्यूट्रल एक्सिस, तो यहाँ से टॉप फाइबर का डिस्टेंस y टॉप कहलाएगा, ठीक है, ये y टॉप कहलाएगा, और यहाँ से बॉटम वाले फाइबर का डिस्टेंस y बॉटम कहलाएगा। तो 600 पूरा है तो न्यूट्रल एक्सिस पूरा डिवाइड करता है, वो CG है तो आधा आधा हो जाएगा, यानी कि y टॉप और y बॉटम क्या हो जाएगा, y टॉप और y बॉटम जो है हमारा वो 600/2 यानी कि 300 mm आ गया। I हम लोग bdQ/12 से निकालेंगे, y टॉप y बॉटम आ गया है यहाँ पे, ठीक है। अब एक मिनट ध्यान देंगे, ये तो रहा बेंडिंग मोमेंट की वजह से, लाइव लोड के वजह से, क्योंकि लाइव लोड के वजह से क्यों, क्योंकि आगे चल के क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है कि हम लोग को टेंसाइल स्ट्रेस बॉटम फेस पे टेंशन नहीं चाहिए, यही तो हम लोग पढ़ाते हैं तीनों लेक्चर चारों लेक्चर में, और नेगलेक्ट कर देना है हम लोग को इफेक्ट ऑफ डेड लोड, डेड लोड के इफेक्ट को नेगलेक्ट करना है। ऐसा कहने का मतलब ये होगा, ये ऐसा नहीं करेंगे कि b × d करके इसका एरिया निकालेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम को गामा से मल्टीप्लाई करके इसका वेट निकालने लगेंगे, नहीं, इसका वेट को नेगलेक्ट कर देना है, सिर्फ लाइव लोड का वैल्यू जो भी दिया हुआ है लाइव लोड के कारण इसको जो है एज्यूम कर रहे हैं, तो ये तो हमको निकालना ही है, एम तो यहाँ पे निकालना ही है। इसका जस्ट उल्टा डायग्राम हम लोग बना देते हैं, किसका हम लोग बना देते हैं कि क्योंकि पी कितना इसेंट्रिसिटी पे लग रहा है ना, पी न्यूट्रल एक्सिस पे तो लग नहीं रहा है, क्योंकि बोल रहा है पी, देखिए क्या बोल रहा है कि जो पी है, जो ईच 7 mm डायमीटर लोकेटेड है 200 mm फ्रॉम द बॉटम फेस, यानी कि ये जो CG है इसका, ये यहाँ से 200 mm बॉटम पर से लग रहा है, 200, ठीक है, तो ये बॉटम से 200 लग रहा है। तो न्यूट्रल एक्सिस और प्री स्ट्रेस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग इसेंट्रिसिटी ई बोलते थे, तो इसेंट्रिसिटी ई कितना हो जाएगा,
टोटल आधा इतना 300 है, 300 में से 200 चला गया, तो 300 में से 200 चला गया तो कितना हो जाएगा, इसेंट्रिसिटी 100 का आ जाएगा, इसेंट्रिसिटी 100 का आ गया, तो इसेंट्रिसिटी भी आ गया। तो यहाँ पे जो डायग्राम बना रहे थे हम लोग, वो डायग्राम कुछ इस तरह का बन जाएगा, इसका जस्ट उल्टा बना देंगे, ये प्लस नहीं सॉरी ये माइनस और ये प्लस। तो यहाँ पे आता था क्या, पी ई बाई आई इंटू वाई टॉप और वाई टॉप, और नीचे आता था पी ई बाई वाई इंटू वाई बॉटम, और एक फोर्स का डायग्राम बनता था कैसा, ये यूनिफॉर्म बन जाता था। ये डायग्राम भी मैं बना के बस दिखा रहा हूँ आपको, ये डायग्राम तो माइंड में बैठ जाना चाहिए, माइंड में बैठना चाहिए डायग्राम। ये पी बाई ए, पी ई बाई आई वाई टॉप, ये एम बाई आई वाई टॉप, ये तीन फार्मूला, तीन चीज़ तो है, इसमें कोई फार्मूला रटना थोड़ी है, बस ये डायग्राम माइंड में बैठना चाहिए। आप प्री स्ट्रेस के लोड कॉन्सेप्ट से स्ट्रेस वाले कॉन्सेप्ट का कोई भी क्वेश्चन बना लेंगे, सिर्फ ये डायग्राम माइंड में रहेगा और कुछ नहीं रखना है माइंड में। कोई फार्मूला जो मैंने डिराइव किया था पिछले लेक्चरों में, उसको कोई उसको याद नहीं करना है, कुछ भी याद नहीं करना है, सिर्फ ये डायग्राम माइंड में रखना है। ठीक, तो अब चलते हैं कि हम मैंने बताया था कि नीचे में टेंशन नहीं चाहिए, मतलब नीचे में निगेटिव वाला चीज़ नहीं होना चाहिए, यानी कि दिस प्लस दिस ये दोनों जोड़ने के बाद बड़ा होना चाहिए ये जो छोटा वैल्यू। तो सिंपली क्या करेंगे, दिस प्लस दिस कर देंगे, निगेटिव में है तो माइनस दिस करेंगे, इज इक्वल टू जीरो पुट कर देते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, हम लोग न्यूमेरिकल बनाने के लिए उसको जीरो पुट कर देते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, कर देते हैं कि पी बाई ए पॉजिटिव में था, पॉजिटिव में लिखे पी ई बाई आई इंटू, नीचे वाला लिख रहे हैं तो वाई बॉटम लिखना पड़ेगा, ये भी पॉजिटिव में था लेकिन मोमेंट वाला निगेटिव में, ये देखिए मोमेंट एम बाई आई वाला इधर निगेटिव रीजन में लाई कर रहा है, तो इसको माइनस में लिख दिए एम बाई आई इंटू वाई बॉटम, और क्या किए इसको, इसको यहाँ पे हम लोग इक्वल टू जीरो के इक्वेट कर दिए। अरे जीरो के इक्वेट कर देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये दोनों जो है, ये दोनों जो है ये पॉजिटिव में रहेगा। ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव में रहेगा और बड़ा हो जाएगा, तो नीचे टेंशन नहीं आएगा। ठीक है, नीचे टेंशन नहीं आएगा, ऐसे तो ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होता है, लेकिन जीरो भी कर देंगे तो लिमिट पे पहुंच जाएगा, तो इसके बाद ही टेंशन आना, इससे कम करेंगे थोड़ा सा तभी आएगा टेंशन, तो यहाँ तक, यहाँ से टेंशन आना बंद हो जाएगा। ये सब कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया है, फालतू में भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वीडियो लंबा बन रहा है। ठीक है, पी बाई ए पी वाई बॉटम अपॉन आई माइनस एम बाई आई वाई बॉटम इक्वल टू जीरो। ठीक, वाई बॉटम 300 निकाल चुके हम लोग, आई भी चलिए निकाल के अलग से रख देते हैं, क्या था बी डी क्यू बाई 12 था, तो बी कितना था हमारा 250 था, और डी कितना था, डी डेप्थ पूरा 600, 600 का क्या क्यू डिवाइडेड बाई 12, तो ये हम लोग करेंगे 250 इंटू 600 का क्यू अपॉन में 12, तो ये हम लोग को आ रहा है 45, और पावर में लिख देते 4.5, ये हम लोग आ रहा है 4.5 इंटू 10 to the power 9। चलिए, और ये एम एम का पावर 4 हो जाता है। तो चलिए फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, पी हम लोग निकाल चुके हैं कितना 431 न्यूटन में, चलिए एम एम में है तो फोर्स को भी न्यूटन में कर देते हैं, तो 431.026 किलो न्यूटन में लिखे थे, इसको न्यूटन में लिखेंगे तो क्या होगा 431.026 न्यूटन में आ गया। और ये जो एरिया है ये क्या है, ये तो पूरे क्रॉस सेक्शनल बीम का है, तो 600 इंटू 250 प्लस पी ई बाई क्या था, पी ई इंटू वाई बॉटम बाई आई, तो P क्या है, P तो यही हमारा 431026 इंटू इसेंट्रिसिटी क्या है था 100 था, और Y बॉटम क्या है, Y बॉटम चाहे Y टॉप दोनों 300 है। ठीक है, दोनों ये 300 हुआ, अपॉन I हम लोग निकाल लिए 4.5 इंटू 10 to the power 9 एम एम का पावर 4, और यहाँ से माइनस कर दिए M इंटू वाई बॉटम क्या था 300, और यहाँ से इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है 4.5 इंटू 10 to the power 9 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम लोग को मोमेंट जो है वो मिल जाएगा 86.205 किलो न्यूटन मीटर। थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, कैलकुलेशन का बात है, आप तो अपने से चेक कर लेंगे। इसको 82 डेसिमल तक लिखना था, सॉरी 1 डेसिमल तक, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेसेस, तो क्योंकि 2 है, 2 के बाद 0 है, तो इसको राउंड ऑफ करके बढ़ाना तो है नहीं, क्योंकि 0 है, अगर मान लीजिए यहाँ 26 रहता तो यहाँ पे 86.3 डालते, लेकिन 20 है तो 5 से कम है, तो इसको डायरेक्ट 86.2 किलो न्यूटन मीटर, ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था, तो इतना आंसर उसमें पुट कर देना था। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर में, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं।
छोटा सा क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, इसको मैंने सॉल्व कर दिया इसीलिए कि टाइम अगर ज़्यादा हो जाएगा तो। छोटा सा क्वेश्चन है, गेट 1994 1997 में आया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन लेने के पीछे मेरा मकसद ये था कि थोड़ा सा कंसेप्ट को खोलेगा। ये बोल रहा है कि प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट रेक्टेंगुलर बीम ऑफ साइज 300 × 900 mm इज प्री स्ट्रेस विथ इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग फोर्स। देखिए यहाँ पे प्री स्ट्रेसिंग फोर्स बोल रहा है, तो यहाँ पे एरिया वगैरह का लेना नहीं, और 700 kN यूनिट से भी पकड़ लेना कि 700 kN एट एन इसेंट्रिसिटी ऑफ 350 mm, इसेंट्रिसिटी ई का जो वैल्यू वो भी दे दिया। एट मिड स्पान स्ट्रेस एट टॉप ऑफ द ड्यू टू प्री स्ट्रेस एलोन इन न्यूटन पर मीटर mm² न्यूटन पर mm². देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि स्ट्रेस हमको निकालना है टॉप पे सिर्फ प्री स्ट्रेस के कारण। ऑप्शन सारा दिया हुआ है, चलिए 300 900 300 बाय 900 है, न्यूट्रल एक्सिस है, इस तरह से मान लीजिए बना दिए यहाँ पे। आप किसी तरह से बना सकते हैं, एक होल बना के आप उसमें चार वायर लगा लीजिए, चाहे आपको क्वेश्चन से मतलब अभी थोड़ी डिजाइनिंग करना है। तो ये इस तरह से हम लोग बना दिए हैं, यहाँ पे थोड़ी दिया हुआ है कि चार वायर है, कुछ अपने मन से ड्रॉइंग है बना ली है। प्री स्ट्रेस फोर्स इसके सीजी पे लगता है, बस इतना ध्यान देना है, फोर्स 700 kN का लग रहा है। इसेंट्रिसिटी ऑलरेडी 350 mm का दे रखा है सीजी से, ठीक है, सीजी से एट द मिड स्पान से इसेंट्रिसिटी 350 दिए हुए। वाई टॉप वाई बॉटम क्या हो जाएगा, पूरा डेप्थ बाई टू हो जाएगा, डी बाई टू 900/2 450 mm हो जाएगा। आई निकाल के हम लोग रख लेते हैं बी डी क्यू बाई टू 300 × 900³ 12, ये 1.82 × 10⁻¹⁰ का पावर 4 आ गया आई। अब देखिए सिग्मा टॉप बोल रहा है, अब पहले बात करते हैं कि इसमें आप मिस्टेक क्या करेंगे क्वेश्चन में। जब क्वेश्चन में आया कि स्ट्रेस एट द टॉप ड्यू टू प्री स्ट्रेस एलोन, ड्यू टू प्री स्ट्रेस एलोन, तो माइंड में दरअसल जाता क्या है इमेज, अच्छा प्री स्ट्रेस बोल रहा है एलोन बोल रहा है, तो सिर्फ दिमाग में क्या जाता है कि अच्छा प्री स्ट्रेस एलोन, इसका मतलब सिर्फ पी का वैल्यू लेना है, पी बाई ए कैलकुलेट करके और रख लेता है बच्चा। क्या करता है कि पी का 700 kN ऊपर रखता है, और एरिया 700 kN हो गया, इसको न्यूटन में बदल देते हैं, 10³ रख लेता है पी का वैल्यू, और नीचे एरिया क्या 300 × 900, तो ये कर लेता है 300 × 900, और ये आ गया हमारा 2.59, और पॉजिटिव में आ गया यानी कि कंप्रेशन, तो 2.59 कंप्रेशन आंसर मार देगा। और देखिए गेट में कितना खूबसूरती से ऑप्शन होता है 2.59 कंप्रेशन, क्योंकि यहाँ पे ये ऑप्शन क्यों दिया हुआ है, ये ऑप्शन इसीलिए दिया हुआ है, गेट का चारों ऑप्शन के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है, तो गेट में ये ऑप्शन इसलिए दिया हुआ है क्योंकि बच्चा ड्यू टू प्री स्ट्रेस एलोन का मतलब सिर्फ एलोन मतलब सिर्फ पी बाई ए ना समझ ले, ठीक है, लेकिन प्री स्ट्रेस का मतलब क्या होता है कि प्री स्ट्रेस का दो इफेक्ट होता है। मैंने अपने नोट्स में जब पढ़ाया था आप लोगों को, जब स्ट्रेस कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, तो साफ लिखा है कि पी जो है प्री स्ट्रेसिंग फोर्स है टू इफेक्ट, डायरेक्ट कंप्रेशन पी बाई ए का और बेंडिंग मोमेंट पी इंटू ई का। तो फिर दोनों डायग्राम लेंगे, इसमें सिर्फ हम लोग एक्सटर्नल लोड वाला डायग्राम नहीं बनाएंगे, तो डायग्राम नहीं बनाते हैं, सिर्फ याद रखना है फॉर्मूला क्या था, पी बाई ए था, और ये माइनस में आता है टॉप पे, अरे फिर भूल गए आप, ये जो पी ई वाला आता था तो कैसा है, इस तरह से आता है ना, तो ये माइनस ये प्लस, तो टॉप पे हमको निकालना है, ठीक है, सिग्मा टॉप पे निकालना है, तो ये तो निगेटिव में आएगा, पी इंटू ई जो आएगा ये तो माइनस में आएगा, तो माइनस पी ई बाई आई वाई टॉप, वाई टॉप हम लोग वहाँ निकाल चुके हैं 450, आई भी निकाल चुके हैं, चुपचाप यहाँ पी बाई ए रख दिए, और ये फार्मूला में पुट किए पी ई वाई टॉप आई, और ये हमको आ गया -3.46, तो माइनस में आया इसलिए टेंशन हो गया, तो इसका मतलब ऑप्शन वन इज करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ, ऑप्शन में -3.46 के साथ टेंशन लिखा हुआ था और 2.59 के साथ कंप्रेशन या 8.64 के साथ कंप्रेशन लिखा हुआ था, तो यहाँ ऑप्शन से भी ये पता चल रहा है कि माइनस को निगेटिव को वो टेंशन एज्यूम कर रहा है और पॉजिटिव को वो कंप्रेशन एज्यूम कर रहा है। अगर अगर मान के चलिए ये -3.46 के बगल में ब्रैकेट में वो कंप्रेशन लिखे हुए रहता, इसका मतलब ये है कि वो निगेटिव को साइन कन्वेंशन कंप्रेशन मान चुका है, ठीक है। जनरली टेंशन को निगेटिव कंप्रेशन को पॉजिटिव 100 में से 90 लोग मानते हैं, लेकिन गेट है, गेट कभी भी बदल सकता है इस चीज़ को कि वो टेंशन कंप्रेशन को पॉजिटिव निगेटिव लिख दें। तो यहाँ से हमको एजम्पशन पता चल रहा है कि अच्छा टेंशन वाला निगेटिव में, तो जब यहाँ -3.46 आया तो यहाँ पे टेंशन लिखे, यहाँ पे ये देख के यहाँ टेंशन नहीं लिखे, ठीक है,
यहाँ पे माइनस वाले के देख के टेंशन हमको पता चला कि अच्छा माइनस टेंशन को लिया है तो इसलिए यहाँ पे टेंशन, तो इस तरह से ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो गया। ठीक, चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग एक दो क्वेश्चन और देखेंगे, ताकि क्वेश्चन करने से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। जैसे अभी माइनस प्लस वाला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, और फिर प्री स्ट्रेस एलोन का इफेक्ट क्या समझना है, क्या समझ लेते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए, वीडियो थोड़ा लंबा बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है, थैंक यू।